Hello and welcome to Indian Masterminds. I'm Muskan Khandelwal and I'm in conversation with the Indian Forest Service Officer Arushi Mishra, who is the Deputy DFO Agra. She has cleared UPSC in the year 2018 and went to Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun for her training. And today we will be talking to her about her life at Indira Gandhi National Forest Academy. How was it and what did she learn? Along with this, how she is utilizing those learnings in her service and much more. So welcome to Indian Masterminds, ma'am. It's really great to have you on our platform. Thank you so much. Thank you for inviting me to the platform where I can contribute in some ideas that might resonate with the students. So thank you so much. The first thing that our viewers would like to know is, how is life at Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun? It will be really great if you can share some insights into the day-to-day life during the training months. Right. देखिए, ट्रेनिंग का क्या होता है, इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वी हैव 3.5 months ट्रेनिंग, 3 to 3.5 months ऑफ फाउंडेशन कोर्स इन लबासा. उसके बाद यू गो फॉर 16 to 16.5 months टू इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, दैट इज इन देहरादून. अब ये देहरादून में कहाँ पे है, ये FRI कैंपस के अंदर है. ठीक है, FRI इज अ ह्यूज कैंपस, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर और इन सब में आप जो देखते हो ना, वही वाला कैंपस है. तो एंड उसके बाद आपकी रिमेनिंग 3 to 3.5 months आपकी, सॉरी 4 months, 4 months आपकी होती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, जो कि आप फील्ड में वापस आते हैं. तो अब इसमें आपकी क्या, हाउ ट्रेनिंग एंड हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट, इज फर्स्ट दैट इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट अकेडमी विद रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन. इट इज नॉट एज स्ट्रिक्ट एज NPA, ये पुलिस की अकेडमी नहीं है, बट फॉरेस्ट सर्विस इज स्ट्रिक्टर दैन दी अदर्स अपार्ट फ्रॉम NPA, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है. तो इट इज PT मॉर्निंग में, रनिंग PT एंड स्विमिंग इज मैंडेटरी, और उसके बाद इवनिंग में स्पोर्ट्स इज मैंडेटरी. इफ यू मिस दैट देन इट्स मोर ऑफ अ ट्रबल एज कम्पेयर टू कि आपने क्लास मिस कर दी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. दूसरा क्या है कि आपका बीच का पार्ट होता है, क्लासेस को डेडिकेटेड होता है, तो वो क्लासेस इन जनरल, अगर मैं फॉरेस्ट सर्विस की बात करूँ, तो क्लासेस आर मोर इंटरेस्टिंग. आपको एक्चुअल में क्लास में बैठ के अच्छा लगता है कि आप कैसे एनिमल रेस्क्यू हो रहा है, कैसे आपके माइंड में आप एक अलग ही मूवी वाली दुनिया में बैठे होते हो, क्योंकि आजकल डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, जो आपके फैकल्टीज होते हैं, जो रिसोर्स पर्सन होते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस के साथ सब बताते हैं कि उन्होंने एनिमल को कैसे रेस्क्यू किया, उन्होंने यहाँ पे ये कैसे किया. जब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्ट होता है लोगों के, लेपर्ड घर में आ जाएगा तो क्या करेंगे, हमें एक्चुअली वही सिखाया जाता है, वही सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, हाउ टू ट्रैंकुलाइज, हाउ टू डू एवरीथिंग. तो दैट इज मोर ऑफ एन इंटरेस्टिंग सेशन, क्लास हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है. फिर उसके बाद हम आते हैं कि हमारे अकेडमी में दे आर मोर ऑफ टूर बेस्ड अकेडमी. वाई? बिकॉज इट्स एन फील्ड बेस्ड सर्विस, तो टूर्स हमारे बहुत होते हैं. तो वी हैव 6 tours, देयर आर 5 thematic tours ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि भारत दर्शन ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया नहीं हो पाता हमारा, क्योंकि हमें थीम्स के बेस पे जाना पड़ता है, क्योंकि कौन सा हैबिटेट बायोलॉजिकली उस टाइम एक्टिव है, हम देख सकते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है उसमें मैनेजमेंट रेफरेंस में. तो टूर्स होते हैं, चाहे वेस्ट इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया, जैसे लेह लद्दाख का होता है, ये अपना सदर्न इंडिया एंड आइलैंड वाला टूर होता है, फिर फॉरेन टूर होता है, जो कि 2 साल से नहीं हुआ है, अब आएंगे 3 साल से नहीं हुआ ड्यू टू कोविड. एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हॉस्टल लाइफ के रेफरेंस में क्या होता है, तो हॉस्टल लाइफ इज मोर एक्साइटिंग विद रिस्पेक्ट टू आइडिया कि आप 6:30-7 बजे के बाद एकदम कम्प्लीटली फ्री होते हो, एंड देयर आर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल, लाइक जिम, स्विमिंग पूल, एंड कैंपस इटसेल्फ में इतना ब्यूटीफुल है कि मेजोरिटी ऑफ फॉरेस्ट सर्विस पीपल टर्न इनटू वेरी गुड रनर्स. तो ये अच्छा रहता है, ओवरऑल एकेडमी की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रहती है. द मोमेंट यू कम आउट ऑफ एकेडमी यू स्टार्ट मिसिंग आउट. तो ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनीज होते हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी. सो कैन यू गिव एन इनसाइट इनटू हाउ इट हेल्प्ड यू टू बी अ बेटर फॉरेस्ट ऑफिशियल, एंड व्हाट क्वालिटीज और स्किल्स डू यू थिंक इट टॉट यू? राइट. तो इसमें एन एग्जांपल कुड बी कि वी हैव एन अटैचमेंट टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी. तो IMA में जब अटैचमेंट होता है, तो 2 टाइप का अटैचमेंट होता है, एक आपकी वेपन ट्रेनिंग का होता है, एक आपका हॉर्स राइडिंग का होता है. तो वेपन ट्रेनिंग का मैं आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि वेपन्स, अगर हम कहें कि फॉरेस्ट एकेडमी में कितने वेपन्स है, तो नहीं, वी डू नॉट कीप वेपन्स, है ना, बट इन द IMA हमारे से जुड़ा हुआ कैंपस IMA में आपकी वो अलग हमारी वेपन ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको सारी एयर राइफल, पिस्टल, आपकी AK-47 हो गई, आपकी कार्बाइन्स हो गई, ये सारी चीज चलाना सिखाते हैं, खोलना, असेंबल करना, सब कुछ करना, और फिर चलाना, लोड, अनलोड एंड एवरीथिंग. उसका जो बेनिफिट होता है कि अगर हम इस टाइप के अटैचमेंट करते हैं, देखिए पहली चीज, एक एक्सपोजर बढ़ता है,
कि ये चीजें होती क्या है, हमारे मन में ज्यादा डर से ज्यादा एक्सपोजर से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दूसरा क्या, हम और सर्विसेज के प्रति, चाहे अगर हम पुलिस अकेडमी जाए तो IPS के रेफरेंस में, अगर हम IMA जाए तो आर्मी पर्सनल के रेफरेंस में, एक म्यूचुअल कोहेसिवनेस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग इन द फील्ड यू आर नॉट वर्किंग इन साइलोज, आप हमेशा किसी एक टीम में, तो अगर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उस समय के फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ सर्विस में, तो आप बेटर इंटरेक्ट कर सकते हो। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो आप वहाँ पे स्किल सेट सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो वेपन ट्रेनिंग सीखी, तो वेपन ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट सर्विस में तो आपको रोज गोली चलानी होती है। हम एज अ फॉरेस्ट सर्विस ऑफिशियल वी आर नॉट इवन ऑथराइज टू हैव अ फायरआर्म ऑफ अ ओन। हमारे जो जूनियर स्टाफ होते हैं रेंज ऑफिसर्स, उनको अलाउड होता है और उनके पास होता है। तो लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन में है, आपको वो वेपन मिल गया, आपको उसको डिसआर्म कैसे करना है, आपको मिल गया, आपको रिक्वायरमेंट है, आपको उसको आर्म करके इनिशियली मतलब एट दैट पॉइंट यूज कैसे करना है, इस टाइप की जो चीजें होती है। अब हम हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ऐसे घोड़े चलाने का काम थोड़ी है हमारा, ये मतलब यू आर फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, यू आर नॉट रनिंग आउट इन द फॉरेस्ट या शेर में घूम रहे हैं या घोड़े पे घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी एनिमल के रेफरेंस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सिचुएशनली आपको, आप एक जान या कोई एक एनिमल के साथ आप ऐसे राइड करना सीखते हैं, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एक सिचुएशन पढ़ने पे आपको वो हेल्प भी कर सकती है। तो उस टाइप की बातें हैं, थोड़ा सा आप कन्वीनियंट हो जाता है। आप NPA जाते हैं तो उसी टाइप के सिमिलर एक्सपोजर्स होते हैं, थोड़े और इस चीज में मोर कोहेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। ओके ग्रेट, तो स्किल्स और क्वालिटीज की बात हो ही रही है, तो एज वी नो दैट इंडिया इज अ कंट्री विद अ वास्ट फॉरेस्ट कवर एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हीटेड फॉरेस्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स, सो हाउ डज द अकेडमी प्रिपेयर यू फॉर टैकलिंग सच सिचुएशंस व्हिच आर एक्सक्लूसिव इन इंडिया? Right. See, India is a, being a developing country, it is supposed to be there. Because development versus environment quality debate is due to continue and it will continue for the future as well. लेकिन ऐसा है कि when you are in academy, there are resource person, जो आपके senior officers आते हैं, जो experts आते हैं, वो यही बताते हैं, how they prepare you is that they prepare you with respect to the idea that you cannot go out of the rules, regulations and your acts. अगर वो चीजें आपको क्लियर नहीं करें, कोई आपका एक ऐसा इशू आ गया जो कि आपके रूल्स रेगुलेशन और एक्ट्स में नहीं है, जहाँ पे आपको इनोवेटिवली अपना दिमाग लगाना है, तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी होती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके आइडियाज की आपको हेल्प लेनी होती है, या हमारे सुप्रीम कोर्ट के अगर कुछ, या NGT के या हाईकोर्ट के कुछ डायरेक्शन होते हैं, उधर हेल्प लेनी होती है। तो अकेडमी आपको इस वे में प्रिपेयर करती है कि पॉलिटिक्स या आप ये कहें कि इश्यूज, वो हर दिन के नए होते हैं, वो हर दिन क्रॉप अप होंगे, लेकिन एज एन ऑफिसर आपकी बहुत ही सिंपल सी आपकी जो आपको लाइन थ्रेड करनी होती है, वो इट इज ऑलवेज बाउंड बाय रूल्स लॉज रेगुलेशन एंड देन ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कहीं भी इनोवेट करना है तो उसकी बाउंड्रीज में। Okay, so now to end this conversation, what message would you like to give to the professionals who are going through the training at the academy presently? See, first of all, I would like to say, बहुत enjoy करिए, because it is the last time जब आप सब as a college time आप साथ रहते हैं और आपकी mutual understanding about each other बढ़ती है, क्योंकि बाद में जब आप field में जाएंगे तो आप ये miss भी करेंगे और आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, तो यही bonds काम आते हैं। First of all is this. सेकेंड इज कि बहुत सारे ऐसे मिसकन्फ्यूजन्स होते हैं जो कि होता है कि अकेडमी में जो पढ़ाया जाता है वो फील्ड में नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अकेडमी में अगर आपकी नॉलेज आप अपनी स्ट्रॉन्ग जरूर करिए, जो भी आपको लॉज एक्ट पढ़ाए जा रहे हैं या जो भी आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जा रही है, उसको सीखिए जरूर, क्योंकि फील्ड में आपको उसी के ऊपर बेस बनाना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यू नेवर बी रिस्पेक्टेड एज एन ऑफिसर, तो वो बहुत जरूरी होता है। एंड थर्ड चीज जो ये कि बहुत सारे अकेडमी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आते हैं, आपको उनके कॉन्टैक्ट्स अपने पास सेव रखने चाहिए, क्योंकि आपको वो एज अ नॉलेज बैंक हेल्प कर पाएंगे। और जितना भी मटेरियल आपके अकेडमीज में होता है, मैं जेन्युइनली सजेस्ट करना चाहूंगी अपने जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये ध्यान रखें, जो भी मटेरियल होता है अकेडमी का, उसको आप एक हार्ड डिस्क में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा आप उसको देखेंगे तो कोई ना कोई नया आइडिया, सजेशन या कोई भी चीज के तौर पर आपको हेल्प करेगा। तो दिस इज I think that will help people. Just great. Thank you so much, ma'am. Thanks. We hope that this conversation gave you a brief insight into the life at IGNFA and what it takes to be a competent forest officer in a country as diverse and as complex as India. For more such content, keep watching Indian Masterminds, and you can also visit our website for more news, interviews, and initiatives taken by the bureaucrats.
Link is in the description.